आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आर्डुइनो को डाउनलोड करके उसके इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने पसंदीदा ब्राउज़र को खोल लें। मैं गूगल क्रोम को खोलने जा रहा हूँ। ब्राउज़र में आप आर्डुइनो टाइप करें। और पहला लिंक जो मिलता है arduino.cc उसे क्लिक करें। इसमें आने के बाद यहाँ सॉफ्टवेयर ऑप्शन में जाएं। इसमें डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को विंडोज विन 7 एंड न्यूअर को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, जस्ट डाउनलोड, दूसरा है कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड। यदि आप आर्डुइनो को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड को प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप आर्डुइनो को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करें। मैं फ्री में डाउनलोड करने जा रहा हूँ, इसलिए जस्ट डाउनलोड को क्लिक करूँगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि डाउनलोड शुरू हो चुका है। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये अब डाउनलोड हो चुका है। इंस्टॉल करने के लिए इसे ओपन करेंगे, एग्री को प्रेस करना है, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद इंस्टॉल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल होने लगा है। इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, थोड़ा इंतज़ार। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लोज बटन प्रेस करें। और अब आर्डुइनो का आइकॉन डेस्कटॉप पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसे खोलेंगे। और ये आर्डुइनो यहाँ पे दिख रहा है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब इंस्टॉल करते हैं
तो हो सकता है कि आपको इंस्टॉल का ऑप्शन 3 बार दिखे, ऐसा कभी कभी होता है। तो आपको 3ों बार या 4ों बार इंस्टॉल बटन को प्रेस करते जाना है। इस वाले इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल का ऑप्शन एक ही बार आया है, यदि 3 बार आए तो आपको 3ों बार प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से ये आर्डुइनो इंस्टॉल हो चुका है। देखने के लिए थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।